बंगाल विधानसभा में कल पेश होगा रेप विरोधी कानून, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 होगा कानून का नाम। कोलकाता कांड को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, सीएम ममता बनर्जी ने मांगा इस्तीफा। बंगाल विधानसभा में रेप के खिलाफ सख्त कानून लाने वाले बिल का समर्थन करेगी बीजेपी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा, हम बिल के साथ लेकिन सीएम के इस्तीफे की मांग रहेगी जारी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं, लेकिन बेटे की गलती पे पिता का घर तोड़ना गलत। 17 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान पर कसा ईडी का शिकंजा। ईडी की टीम ने अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया। आप विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली स्थित घर से अपनी गाड़ी में लेके निकली ईडी की टीम। ईडी दफ्तर लाया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी हुई। से हाथ हिलाते हुए निकले विधायक अमानतुल्ला खान बोले, ईडी के एक्शन पर अमानतुल्ला खान का बयान, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, फर्जी केस में फंसाया जा रहा है मुझे। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान के घर सुबह पहुंची थी ईडी की टीम। 2 घंटे तक अमानतुल्ला ने नहीं खोला दरवाजा, ईडी अफसरों से होती रही बहस। दो घंटे इंतजार के बाद ईडी को अमानतुल्ला के घर बुलानी पड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, तब जाके घर में दाखिल हो सकी ईडी की टीम। घर में ईडी टीम ने 4 घंटे की अमानतुल्ला से पूछताछ। अमानतुल्ला खान पर ईडी के एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार और ईडी पे हमला, कहा तानाशाह जारी। आप लोगों को शर्म नहीं आती, ये आपकी जांच है। एक मामले की 3-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है, 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। संजय सिंह ने कहा, ईडी की क्रूरता देखिए, उनकी सास का कैंसर का इलाज हुआ है और ईडी ने सुबह सुबह धावा बोल दिया। अमानतुल्ला खान पर ईडी के एक्शन को लेकर मनीष सिसोदिया का बयान, कहा ईडी का बस यही काम रह गया है, बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दो। अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी का ताना, जो बोएगा वही काटेगा, काश अमानतुल्ला खान को ये याद होता। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पार्टी पर निशाना साधा, कहा अगर आपने भ्रष्टाचार किए हैं तो जवाब देना होगा। गाहे बघाए अपने गुंडे के लिए चर्चा में भी रहते हैं। आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आप हराइच में एक हफ्ते बाद भी जारी आदमखोर भेड़ियों की खोज निकालने की जद्दोजहद, लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं दोनों भेड़िए और उन्हें पकड़ने का फुल प्रूफ प्लान तैयार। भेड़ियों की खोजबीन के लिए हराइच में दिन रात उड़ाए जा रहे थर्मल ड्रोन, रात होने की वजह से वन विभाग की टीम को दिक्कतें हो रही हैं। भेड़ियों से प्रभावित कछार वाले इलाके में पहुंची मुख्य वन संरक्षण रेणु सिंह, मंगलपुर में भेड़ियों की तलाशी अभियान का लिया जायजा। शनिवार की सुबह बुजुर्ग और बच्चों पर भेड़े के हमले से गांव के लोगों की उड़ चुकी है नींदे, भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम गांव के चप्पे चप्पे में निगरानी कर रही है।
सुरक्षा के मद्देनजर गांव के लोगों ने संभाला मोर्चा। घर की छत और खेत की मचान से भेड़ियों की निगरानी हो रही है। महिलाओं और बच्चों को घर में रहने की हिदायत। कांग्रेस ने उठाया सेबी चीफ का मुद्दा। पवन खेड़ा ने किया सवाल, सेबी चीफ को कौन बचा रहा है? कांग्रेस ने कहा सेबी चीफ को खुद आकर देनी चाहिए सफाई। कई जगहों से वेतन ले रही थी सेबी चीफ। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में जम के बरपा हंगामा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के पास चौराहे पर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। हंगामे के दौरान कुछ की बिगड़ी सेहत। लखनऊ में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट के आदेश के पालन करने की मांग। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के चचेरे भाई ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। सैनी के गृह क्षेत्र की विधानसभा सीट नारायणगढ़ पर ठोका खुद का दावा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के चचेरे भाई सुरेश पाल नंबरदार ने कहा नारायणगढ़ विधानसभा सीट से सीएम नायब सैनी लड़े चुनाव या फिर उनकी पत्नी को मिले टिकट, नहीं तो मैं खुद लड़ूंगा चुनाव। जम्मू कश्मीर में आर्मी बेस के पास आतंकी हमला। जम्मू के सुंजवा संतरी पोस्ट के करीब आतंकियों ने फायरिंग की। जम्मू में सुंजवा संतरी पोस्ट के करीब हुए आतंकी हमले में एक जवान घायल। हमले में एक से दो आतंकियों के शामिल होने की आशंका। सुंजवा संतरी पोस्ट के पास फायरिंग कर भागे आतंकवादी। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशनुमा। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश। दिल्ली के आरकेपुरम में भी जोरदार बारिश। सड़कें बनी सैलाब। दिल्ली के जनपद रोड में बारिश के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। कई जगहों पर लगा जाम। दिल्ली के इंडिया गेट में बारिश के चलते वाहनों की लगी कतारें। रेंगते दिखे वाहन। दिल्ली के तीन मूर्ति में भी जोरदार बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इब्राहिम पट्टनम नौका टर्मिनल पे बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। तेलंगाना के हनुमाकोंडा में भारी बारिश के चलते काजीपेट जंक्शन पे फंसे यात्री। तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने यात्रियों से बातचीत की। तेलंगाना के सीपी अंबर किशोर झा ने बाढ़ग्रस्त शीलों का निरीक्षण किया। जीरो पे तैनात के जवान। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रम मार्क मल्लू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों पर हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। विजयवाड़ा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में घुसा पानी। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश के चलते बहा रेलवे ट्रैक। मरम्मत में जुटा रेल प्रशासन। वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य शिविर लगाया। बड़ी संख्या में लोगों की जांच। गांधीनगर में हुई भारी बारिश। सड़कों पर जल जमाव। लखनऊ में हुई जोरदार बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली।